ਸੋ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੋਜ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮੋਜ਼ਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਔਰ ਕੈਮਰੋਨ ਹੈ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਬਾਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਢਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪੈਦਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਆਇਆ यकीनन पाकिस्तान बनने तो पहले दी जगह है और इतने तुसी तस्वीर कैमरे से जूम करके दिखा रहे हैं तुसी नीचे देख रहे होगे कि कच्ची मिट्टी के जिस तरह बर्तन होंगे ये उन्होंने ठीकरियां ने पंजाबी जबान जन कहते ठीकरियां टूटे हुए हैं जिन्हें नज़र आ रहे हैं और उपर लहर जो नज़र आ रही है वो भी इसी तरह और तकरीबन 10 एकड़ जगह है जिद इस तरह के खंडरात मौजूद ने और खंडरात देखने इस तरह फील होता है कि काफ़ी पुरानी कोई सकाफत और इतने कैम सी रही सी इतने उन्होंने सरात आज भी मौजूद हैं लेकिन इतने जो मकामी लोग ने वह भी इस बारे कोई अंदाजा कोई मालूमत नहीं रखते कि इतने आया कि सी कौन रहते किस तरह के लोग सी की रहन सहन सी और मेरे ख्याल च इतने पाकिस्तान बनने कोई पाकिस्तान तो तकरीबन को पहले तक 100 साल पुरानी कोई जगह आबादी इस तो भी ज़्यादा हो सकती है जी इतने असरात जड़े नज़र आ रहे हैं अंदर वॉलीबॉल खेली जा रही तुसी नज़र आ रहे हो कि ना मिट्टी उड़ रही है इतने तुसी पाँव भी नहीं रख सकते कि मतलब इन्नी इतने जी मिट्टी है ना बहुत ही कलर टाइप है तुसी मिट्टी चीकनी मिट्टी है पाँव रखो तो पाँव अंदर दब जाता और बिल्कुल मेरे पैरों का देखो हालात पैरों के ठीक है हूँ मैं थोड़े झाड़े आ जिस वजह से मसला थोड़ी मिट्टी साफ हुई है पर रहने से देखो मेरे पैर देखो इस तरह इतने पूरा अगे इस वजह से मैं नहीं जा सकता और कपड़े भी काफ़ी मैले हो गए हैं और तुम देखो मिले ने तो वह मैं कह रहे थे इतने की सकाफती जी जुबान है उसकी उस मुकामी जुबान बोल रहे कह रहे थे मोती चाहिए थानू मैं क्या किस तरह के मोती है और ये मोती कहते कि भेड़ तो मोती लभद ने वह लैके आए ना देखो एक कोई उन्हों का जितना ज्वेलरी टाइप होंगी ना उन्होंने कोई ज्वेलरी सी गले कोई पाते हो कोई लेकिन बिल्कुल इस तरह है कि ना कोई शीशा है और कोई अजीब जी चीज़ है उसके बने हुए ने जिते अंदर सुराख है सुराख की चिट्टी लाइन है नज़र आ रही है देखो होर भी हैं ये बस इको हाँ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਇਥੋਂ ਇਹ ਤੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਛੋੜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾੜੀ ਨਾਲ ਨੋਇ ਡੇਡੀ ਡੰਗੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂਬੇ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਚੀ ਛੋੜੀ ਅੱਛਾ ਤਰਾਂ ਸਿਰ ਸੋਨੇ ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਹਾਂ ਤਰਾਂਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਬਿੰਦ ਸਾਰੇ ਤਰਾਂਬੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਲਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਓਕੇ ਲਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ